नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रविकांत मित्र पाठी की वीडियो लाइब्रेरी में। और पहले से आप लोग मेरा परिचय जानते हैं, मैं रविकांत मित्र पाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास सेकेंड ईयर के लिए हिंदी का काव्यखंड, जिसमें से पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था, दूसरा पाठ भी हम लोगों ने आधा पढ़ लिया है, मैथिलीशाह गुप्त के द्वारा लिखा हुआ कैकेयी का अनुताप, जो कि साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। और आज जो इस पाठ का चौथा पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन हम लोग प्रारंभ करेंगे। पद छंद है, मैथिलीशाह गुप्त की रचना, साकेत महाकाव्य से लिया गया। और रामायण की बहुत ही सशक्त पात्र है उर्मिला। सशक्त पात्र यूं कहें कि इतनी ताकतवर पात्र है ये, जिसका त्याग, जिसका समर्पण साहित्यकारों के साधारणतया समझ में आया नहीं। कुछ गिने चुने साहित्यकार ही ऐसे हैं जिन्होंने उर्मिला को आधार बनाकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन अगर आप यूं देखें कि राम की पत्नी सीता, वह राम के साथ वन में चली जाती हैं, अपने पति की सेवा या जो कुछ भी व्यवस्थाएं होती हैं उनका साथ साथ निर्वहन करती हैं। भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां उनके साथ हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उर्मिला ऐसी चरित्रवान स्त्री है, उसका पति लक्ष्मण राम के साथ वन को गया हुआ है। और सिर्फ राम के साथ वन को नहीं गया, इस संकल्प के साथ गया है कि जब तक भैया वन में रहेंगे तब तक न तो खाऊंगा और न तो सोऊंगा। और इसी संकल्प का आश्रय उर्मिला ने भी लिया है अयोध्या में रहते हुए। अयोध्या में रहते हुए भी 14 वर्ष तक उर्मिला ने न तो भोजन ग्रहण किया है और न ही निद्रा को प्राप्त किया है। आज के इस प्रसंग में उर्मिला का विरह वर्णन हम लोग देखेंगे। लक्ष्मण भैया राम और माता सीता के साथ वन में है, उर्मिला अयोध्या में है, अपने महल में है। जाड़े का मौसम प्रारंभ हो रहा है, शिशिर ऋतु का प्रारंभ है, और शिशिर ऋतु में उर्मिला को जो परेशानी हो रही है, उस कष्ट, उस परेशानी के अनुक्रम में वह शिशिर मौसम से बात करती है कि हे मौसम, तुम यहां मुझे कष्ट भले दे रही हो, जंगल में लक्ष्मण को यह कष्ट मत देना। इसके लिए वो मौसम से रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है। पद छंद है, हम लोग देखेंगे। निरखे सखे ये खंजन आए, निरखे सखे ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन काया तप मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर यहाँ वे हंस इधर उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लोये आश्रु अर्घ्य भर लाए, नभने मोती वारे लोये आश्रु अर्घ्य भर लाए। पहले पद में शरद ऋतु का प्रारंभ है। उर्मिला अयोध्या में अपने सदन में बैठी हुई हैं। शरद का तात्पर्य होता है जाड़ा के ठीक पहले की ऋतु, यानी बरसात समाप्त हो चुकी है, जाड़ा अभी प्रारंभ हो रहा है, शरद ऋतु है। और उर्मिला देख करके क्या कहती हैं, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन पक्षी होता है जो श्वेत और श्याम, यानी लगभग ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, कोयल से थोड़ा छोटा होता है। खंजन पक्षी दरवाजे पे दिखाई देता है, अपनी सखी से कहती है, सखी निरख देखो ये खंजन आ गए हैं, यानी खंजन पक्षी आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि जाड़े का प्रारंभ होने वाला है, जाड़ा की शुरुआत होने वाली है। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, ऐसा लगता है कि मेरे मन के जो रंजन है, मेरे मन को आनंद देने वाले, मेरे प्रिय आश्रय लिया है भगवान श्री लक्ष्मण जी का, अपने पति का,
करी मेरे मन के जो प्रिय हैं लगता है उन्होंने मेरी तरफ नयन फेर दिया है, अर्थात उन्हें मेरी याद आ गई है। उसी याद को दिलाने के लिए यह खंजन पक्षी आज हमारे दरवाजे पे आया है। निरख सखी यह खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने, लगता है मेरे मन को आनंद देने वाले, मेरे मन को जो प्रिय हैं यानी हमारे इष्ट मेरे पति, उन्होंने मेरी तरफ अपना मन कर लिया है, मुझे उनकी याद आ रही है। इसका मतलब है कि उन्हें भी मेरी याद आ गई है। कहते हैं फैला उनके तप का आदब मन से सरसर साए, आतप का मतलब होता है धूप। मुझे ऐसा लग रहा है कि खंजन पक्षी के माध्यम से उनके शरीर का जो प्रकाश है, उनके शरीर की जो ज्योति पुंज है, उनके शरीर की जो आभा है, वो यहाँ आ गई है और मेरा मन बड़ा प्रसन्नतित बड़ा आह्लादित अनुभव कर रहा है। मन से सरसर साए, हमारा पूरा सर से लेके पांव तक पूरा शरीर आह्लादित अनुभव कर रहा है, आनंदित अनुभव कर रहा है। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, ये जो हंस यहाँ उड़ करके इधर से उधर जा रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से मेरे इष्ट मेरे श्रेष्ठ मेरे पतिदेव आदरणीय, जो भी चूंकि हमारे स्त्रियां पति का नाम लेती नहीं इसलिए लक्ष्मण नाम ले पाना व्याख्या के साथ थोड़ी दिक्कत है, तो कहते हैं कि मेरे मन के जो प्रिय हैं, मेरे हृदय के जो इष्ट हैं, ऐसे वह इस हंस रूप में यहाँ विचरण कर रहे हैं। जैसे मेरे इष्ट जैसे मेरे प्रिय वहां विचरण कर रहे होंगे, वैसे ही ये हंस यहाँ विचरण कर रहे हैं। कह रहे हैं करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, आज इस जन का इस मैं उर्मिला का ध्यान करके निश्चित रूप से वो वहां मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसा मेरा मन विश्वास कहता है। उर्मिला अपनी सखी से बता रही है कि मुझे देख करके जैसे तुम प्रसन्न हो रही हो, इन हंसों को देख करके जैसे मैं प्रसन्न हो रही हूं, वैसे ही मेरी याद करके वह मेरे इष्ट निश्चित रूप से वन में मुस्कुरा रहे होंगे। फूल उठे हैं कमल दल अधर से यह बंदूक सुहाए, बंदूक शब्द आया है पलाश का फूल, बंदूक का मतलब होता है पलाश का फूल। कह रहे अधर यानी होठ, अधर यानी होठ, ये होठ रूपी लाल लाल पलाश के फूल अगर मुस्कुरा रहे हैं, हृदय में प्रेम रूपी कमल अगर विकसित हो गया है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मेरे इष्ट श्री लक्ष्मण जी हमको याद कर रहे हैं। हे शरद ऋतु, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, स्वागत स्वागत शरद, तुम्हारा स्वागत करते हैं शरद ऋतु, क्योंकि अगर तुम नहीं आई होती तो यह खंजन पक्षी नहीं आए होते, और यह खंजन पक्षी नहीं आए होते तो मेरे प्रिय का संदेश नहीं आया होता, इसलिए बड़े भाग्य से मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, और हे शरद, तुम्हारे लिए इस असीम आकाश ने मोती लुटाए हैं। संध्या का समय होगा, आकाश में जो सितारे चमक रहे उनका आश्रय ले रही है उर्मिला, कह रही है नभ ने तुम्हारे ऊपर मोती ने उछावर किए हैं ना, लाओ मैं तुम्हें अपने आंसुओं का मोती तुमको देती हूँ। अर्घ क्या मतलब होता है अंजलि, जिसको अजूरी कहते हैं, अर्घ का मतलब होता है जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, वैसे ही मैं अपने नेत्रों का जल तुमको समर्पित करती हूँ। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। अगले पद में शिशिर ऋतु का वर्णन, शिशिर का मतलब होता है जब कठिन जागा पड़ता है उसको शिशिर बोलते हैं। शरद ऋतु का वर्णन था, इसके बाद हेमंत आता है, हेमंत के बाद शिशिर आती है, शिशिर के बाद वसंत आता है, तो हेमंत ऋतु का वर्णन तो नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, लेकिन आगे फिर शिशिर ऋतु का वर्णन आपके पास है। कहती है उर्मिला शिशिर न फिर इस गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इस पद में उर्मिला कहती है शिशिर से कि हे शिशिर, इस गिर और वन, कौन सा गिर वन, जहां श्री लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं उन जंगलों में, गिर का मतलब होता है पर्वत, वन का मतलब होता है जंगल, उर्मिला कहती है कि जहां पे मेरे इष्ट मेरे प्रिय श्री लक्ष्मण जी हैं उन जंगलों में उन वनों में, हे शिशिर तुम मत जाओ, हे जाले तुम उन जंगलों उन वनों में तो कतई मत जाओ जहां पे मेरे इष्ट श्री लक्ष्मण जी रहते हैं, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, तुमको पतझड़ चाहिए ना, जागे में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कह रही उर्मिला तुम मेरे प्रिय जहां पे हैं वहां मत जाओ, तुमको पतझड़ चाहिए ना, जितना मांगो उतना पतझड़ मैं दूंगी, अपने इसी सदन में दे दूंगी, तुमको पर्याप्त पतझड़ मिल जाएगा, पतझड़ को ढूंढने के लिए तुम जंगल मत जाओ, क्योंकि तुम ठंडे हो, वहां जाओगे तो मेरे प्रिय को परेशानी होगी। आगे कहते कितना कंपन तुझे चाहिए, तुमको हार कपाने वाला चाहिए ना,
ठंडी में हाड़ कांपने लगता है, कहे तुमको कंपन चाहिए ना, तुमको हड्डी कपाना है ना, लाओ मेरे पास, इस तन में कम है क्या, जितना तुमको चाहिए मैं अपने शरीर से देती हूं, तुम वहां मत जाओ। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। आनन का मतलब होता है मुख, आनन मतलब मुख, पांडुरता पीलापन, पांडुरता का मतलब होता है पीलिया रोग से ग्रसित तो हो जाना। कह रही है सखी कि बताओ पीलापन तुमको चाहिए ना, जाड़े में वृक्षों के पत्ते पीले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, तो कह रही है तुमको पीलापन चाहिए ना, इस चेहरे पे क्या पीलापन का अभाव है जिसके लिए तुम वहां जा रहे हो। कह रही है यदि तुम्हारे अंदर वीरता है, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है ना, तो मेरे नेत्रों से बहने वाला यह जो जल है इसको जमा के दिखा दो, जो कि हमारे मानस भाजन यानी जो कि हमारे मस्तिष्क की उपज है, जो हमारे अंदर का जो कष्ट है, जो हमारे अंदर का अपने पति के प्रति प्रेम है, इससे जो निकल रहा है यह अश्रु, इसको अगर तुम्हारे अंदर वीरता हो क्षमता हो तो थोड़ा जमा के दिखा दो, और यदि तुमने जमा दिया ना तो मैं अकिंचना, मैं गरीब, अकिंचन का मतलब होता है गरीब, जिसके पास देने के लिए कुछ भी शेष ना बचा हो, कह रही मैं अकिंचन मोती जैसे उसको सुरक्षित रखूंगी। उर्मिला कह रही है शिशिर ऋतु से यदि तुम्हारे अंदर क्षमता है तो इस मेरे नयनों के पानी को जमा दो, मैं गरीबनी मैं बिरहिनी उसको मोती की तरह संभाल के रखूंगी। और देखो हंसी तो मेरी चली गई, भाई मेरा पति वहां चला गया, मैं वियोग में हूं, हंसी मेरी चली गई, तुम क्या चाहते हो कि मैं रो भी ना पाऊं, हंसी तो गई रो भी ना सकूं मैं इस जीवन में, क्या चाहते हो तुम। मेरी तो केवल उत्कंठा है कि बस मैं यह देखना चाहती हूं कि इस संसार और धरती पे क्या होने वाला है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या होने वाला है, बस मैं यह देखना चाहती हूं। अगले पद में उर्मिला वसंत ऋतु के आश्रय लेके कहती है, जब वसंत ऋतु आ जाती है तो उर्मिला के पे क्या प्रभाव पड़ता है, कहती है मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर वारो। कहती है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो, कामदेव के पास जो धनुष होता है उस पर जो वाण होता है ना फूलों का वाण होता है, कामदेव जो है ना प्रेम के श्रृंगार के रति के देवता हैं। तो जब वसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ उल्लास छा जाता है, चारों तरफ वृक्षों में फूल खिलने लगते हैं, अच्छी अच्छी सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं। कहती है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो, मेरे ऊपर फूल मत फेंको, मेरे ऊपर श्रृंगार का प्रभाव न डालो, मैं वियोगिनी हूं, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूं, मैं एक नारी हूं, मैं कमजोर पड़ी हुई हूं इस समय, बाला वियोगिनी हूं, मैं एक बालिका हूं और वह भी वियोग में हूं, कुछ तो दया विचारो हे कामदेव, कुछ तो दया करो मेरे ऊपर, मैं वियोग में हूं, मैं एक बालिका हूं, मैं अबला हूं, मुझ पर फूल मत मारो, प्लीज मुझ पर दया करो। होकर मधु के मीत मदन, हे कामदेव मधु के मीत बन करके, मधु का मतलब होता है आनंद, आनंद के मित्र बन करके तुम पटु, पटु का मतलब होता है कपड़ा वस्त्र, कटु का मतलब होता है कड़वा, गरल का मतलब होता है विष, तुम इस विरहिणी पे इस वियोगिनी स्त्री पर गरल यानी विष कैसा कड़वा विष न गारो, मैं बाला वियोगिनी हूं मेरे ऊपर कुछ तो दया करो, मेरे ऊपर कड़वे विष से सना हुआ कपड़ा न निचोड़ो, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। देखो तुम ये जो कर रहे हो ना इससे मेरी व्याकुलता बढ़ रही है और तुम्हें विफलता हाथ लग रही है, तुम अपना कर नहीं पा रहे हो, तुमको चाहिए कि तुम मेरे ऊपर श्रृंगार का प्रभाव बना दो, वो तुम कर नहीं पा रहे हो, तुमको विफलता मिल रही है और मुझे व्याकुलता हो रही है क्योंकि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं अपने पति के वियोग में हूं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे विकलता मुझे व्याकुलता हो रही है और तुम अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसा है ठहरो श्रम परिहारो, रुक करके अपनी थकावट दूर करो, तुम्हारे इससे करने जाने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोग वाली स्त्री नहीं हूं, मैं गृहस्थ जीवन में आचरण करने वाली स्त्री नहीं हूं जो तुम यह जाल फैला रहे हो या जो तुम प्रेम का मोह का जाल फैला रहे हो ना, मैं सती हूं, मैं इस समय ब्रह्मचारी अवस्था में हूं, मैं गृहस्थ जीवन में आश्रय लेने वाली स्त्री नहीं हूं, इसलिए यह जाल फैलाना बंद करो। और देखो यदि तुम्हारे अंदर क्षमता हो ना, यह जो सिंदूर का बिंदु मेरे माथे पे है ना, यह शिव का तीसरा नेत्र है, हर नेत्र, हर का मतलब होता है शिव, यह शिव के तीसरे नेत्र की तरह है,
यदि तुम मुझ पर व्यर्थ का प्रभाव डालने का प्रयास करोगे तो जैसे शिव के नेत्र से तुम भस्म हो गए थे वैसे ही आज तुम फिर भस्म हो जाओगे। इसलिए यह सिंदूर की रेखा इसको न समझो, मैं अपने पति की एकमेव स्त्री हूँ, मेरा अपने पति के चरणों में एकमेव प्रेम है, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए इसको शंभु के तीसरे नेत्र की तरह समझना। और देखो रूप दर्प, जो तुमको अपने रूप का अभिमान है ना, हे कंदर्प, कंदर्प शब्द है कामदेव के लिए आया, कामदेव का एक नाम कंदर्प भी है, तो कह रहे हैं कि हे कंदर्प, हे कामदेव, तुमको अपने रूप का जो दर्प यानी रूप का जो घमंड है ना, वो ले जाके मेरे पति पे न्योछावर कर दो। मेरे पति के सामने तुम्हारा रूप कुछ भी नहीं है, तुमसे कई सौ गुना सुंदर है मेरा पति। और जो रति तुम्हारी पत्नी है ना, उसकी सुंदरता क्या बताऊं, मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है, ये मेरे पैर की धूल ले लो और ले जाके अपनी पत्नी रति के सिर पर डाल देना, उससे ज्यादा सुंदर तो मेरे पैरों की धूल है। तो ये रहा उर्मिला का विरह वर्णन। देखिए भारतीय समाज में एक पत्नी अपने पति को अपना सब कुछ मानती है, चाहे जैसे भी हो। लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला की विरह दशा का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा, ये पार्ट वन था इसका। पार्ट टू में हम लोग इसका अगला पढ़ेंगे कि यही आता है इस वन में, तब तक आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, जल्दी ही इसका पार्ट टू यही आता है इस वन में भी आपके साथ उपलब्ध होगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका अपडेट मिलता रहे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया, का फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ इधर जुड़े इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो फिर चलता हूं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।